आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। जौनपुर जिलाधिकारी ने एक होटल के बेसमेंट में चल रहे स्वाधार आश्रय गृह पर छापा मारा, जहां एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को निकालकर जांच की गई। डीएम की माने तो शेल्टर होम चलाने के लिए कोई कागज इनके पास नहीं मिला, न ही केंद्र मानक के मुताबिक था। कल भी इसका निरीक्षण हुआ था और जनपद जौनपुर में तीन सूची आई थी, उसके इसका निरीक्षण किया गया और अन्य इसके अतिरिक्त सुधार के निरीक्षण किया गया। कल भी एक ईडीएम के नेतृत्व में टीम गई थी, जॉइंट डीडीएम एसडीएम सदर और अन्य लेडी ऑफिसर्स के साथ। आज भी इसका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण भी ये पाया गया कि उनके पास जो सुधार चलाने के संबंध में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इसलिए और इसके अतिरिक्त जो उनके मानक के अनुसार होना चाहिए वो मानक के अनुसार नहीं थे, उनके पास अन्य कोई कागज भी नहीं थे, तो इसलिए इसका निर्णय लिया गया कि इसके सुधार जो है उसको बंद कराया जाए। जौनपुर में एक नवविवाहिता ने जहर खा लिया, आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी राजा नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब परिजनों को ये बात पता चली तो उन्होंने दूसरी जगह उसकी शादी करा दी। वहीं अब लड़की का कहना है कि उसकी जिस शख्स से शादी कराई गई है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, लिहाजा वो अब अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लूट करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों की बैटरी लूटने वाले 10 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 22 बैटरी समेत 3 लग्जरी गाड़ी और हथियार बरामद किए हैं। बदायूं जिले में पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए ठग बदायूं समेत कई जनपदों में लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में एंटी रोमियो टीम और महिला पुलिस कर्मियों ने गर्ल्स स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े संदिग्धों को रोककर उन्हें सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। मजनू टाइप दिख रहे लड़कों के फोटो खींचे गए ताकि दोबारा पकड़े जाने पर उनकी पहचान की जा सके। इस कार्रवाई से मनचलों में हड़कंप मचा रहा। आगरा में ट्रक और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पूरा हादसा शमशाबाद रोड पर पेश आया। आगरा में जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई की कहावत उस वक्त चरितार्थ हो गई जब 4 दिन से भूखे प्यासे 90 फीट ऊंचाई पर चढ़े लंगूर ने वाइल्ड लाइफ की टीम को देखकर छलांग लगा दी। ये लंगूर 4 दिन से हाई टेंशन लाइन में फंसा हुआ था। रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची तो उसके अंदर हिम्मत आ गई। लंगूर फिल्मी स्टाइल में 90 फीट की ऊंचाई से कूद गया, तब जाकर उसकी जान बची। जिस वॉच टावर पर खड़े होकर सुरक्षाकर्मी ताज की निगरानी करते हैं वहां अब कोबरा का कब्जा है। जिस दिन से वॉच टावर पर सुरक्षाकर्मियों ने कोबरा देखा है तब से सुरक्षाकर्मी वॉच टावर पर नहीं चढ़े हैं, मजबूरन उन्हें जमीन पर खड़े रहकर गश्त करनी पड़ रही है। सीओ से मामले की शिकायत भी की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।